वाले ब्लॉग पे देखा कि ये मुझे कितना ज्यादा रुलाए थे, तो अब इनको हंसाने का भारी आ गया है। ये देख रहा है, मोहब्बत से बोलता हूँ ना, कोई भी पति किसी भी पत्नी से नहीं बोलता हो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है अमित एंड किट्टो जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों ने किट्टो वाले ब्लॉग पे देखा कि ये मुझे कितना ज़्यादा रुलाए थे, तो अब इनको हंसाने का भारी आ गया है। तो पहले जब प्यार से बोले थे तो नहीं ले जा रहे थे, अभी बस खुश करने के लिए रातों रात मुझे लेके जा रहे हैं। बोले चलो तुम अब भी चलो। यहाँ पे खुद से ही कपड़ा सब कुछ रख रहे हैं, खुद से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इनको रुलाने के बाद। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को सुला रही थी और ये सो भी गया। अपने बाबू का कपड़ा रख दिए थे, सूखा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम चला था कि सूख। और क्या जाएगा? और तो कुछ नहीं, यही रख दो, इसमें फिर निकाल देंगे, क्या मतलब है। बाबू का कपड़ा ही रख लेते हैं, उसमें बस खाली बॉटल वगैरह रख देते हैं। वैसे भी खट खुट रहा है, एक साइड बाबू का कपड़ा ही है सारा इसका, क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है और सूख भी नहीं कपड़ा, इसलिए बाबू का एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं तो भले ही वापस लेकर आ जाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ही लेकर जाते हैं। लंगोटा नहीं रखी क्या इसका? कहाँ है? पन्नी में, जो सूखा नहीं था ना, इसके लिए पन्नी में रखी वाला, इसी में मुझे वहाँ पे कुछ काम भी है, इसके वजह से मैं जा रही हूँ। वो भी रात को ही निकल रहे हैं, सुबह ये बोल रहे थे सुबह ले चलेंगे, हम कह नहीं रात सुबह। तो आप मुझे अब मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं, इसमें आवाज़ नहीं, ये मेरा फ़ोन है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोन है, इसमें आवाज़ नहीं आता है कुछ भी, मतलब बोलते हैं और कॉल भी किसी का आता है ना तो कोई फ़ोन भी करता है, इतना फ़ोन कर लेगा, फिर जब मैं नहीं उठा पाऊँगी तो लैंडलाइन पे आता है फ़ोन, तो वहाँ पे फ़ोन आता है कि आप तो फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कि कब से मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ मुझे सुना, इसके नीचे ही अंदर है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर मैं कैसे उठा लूँ? फिर इनके पास कॉल आ जाता है अगर मैं लैंडलाइन कभी नहीं उठा पाती हूँ तो। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई मेरे फ़ोन में, तो इसको बनवाना भी है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर जाते तो मैं अकेले बिना फ़ोन के कैसे रहती, इसलिए से मैं बोली कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, आप जाना सीपी कल जाना मेरा बनवा देना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनका वाला सूज भी रख लो ना, ब्लैक वाला, क्योंकि वाला छोटा शायद हो गया है, इधर है। ये सब कब पहनाएंगे जी? गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। कुछ तो नहीं रखना? नहीं। इनका खटवाए भी रख लो भैया, ये टॉय भी खेलते रहते हैं अपना, इनका खटवाए रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ये खेल सके, इसको टेडी बियर ही ठीक है, चोट नहीं लगेगा उससे। टेडी बियर तो इतना खेलता ही नहीं, लेकिन जैसे ना जो साउंड करता है ना, ये उसी से खुश रहेगा। आप अपना ऑफिस जाने के लिए कपड़े वगैरह रख लिए? अली खेलू खेलू चल रहा है क्या? भैया से मिलने चल रहा है, भैया से मिलने चल रहा है, भैया से मिलने चल रहे हैं, भैया से मिलने चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ
सब कुछ रखा गया, बस मैं दूध रख लेती हूँ एक बॉटल में डाल के। तो यहाँ पे ये देख रहा है कैमरा में, ये देख रहा है सारा सामान वगैरह रख रहे हैं। क्या पतली हो गई ना, बहुत पतली हो गई। मैं तो प्यार से ही बोला। प्यार से बोलते हो? मैं प्यार से, इतने प्यार से, मोहब्बत से बोलता हूँ ना, कोई भी पति किसी भी पत्नी से नहीं बोलता होगा, वो तुम्हारा करेजा भी जानता है। ऐ ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऐ देखो, देख नहीं रहा है, इतना इसके अंदर एटीट्यूड है। वो खेल रहा है, वो एटीट्यूड में नहीं है, खेल रहा है वो। अच्छा खेल रहा है वो, एटीट्यूड वाले की, एटीट्यूड वाले का बेटा भी तो है वो। किट्टो एटीट्यूड। जी चश्मा तो नहीं रखे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको इनाम मिलेगा बेटा जी। अरे चश्मा पेट पे रखे थे, मैंने आपको बोला भी था चश्मा। चलो वैसे भी तुम्हें नया चश्मा बनवाना है तुम्हारा। हाँ आई टेस्ट करा के दूसरा ले लेंगे ना। चलो, अब मैंने बोला था तुम्हें चश्मे के लिए, मैंने स्पेशल तुमको ला के दिया। हाँ, भी दिया, लेकिन ना भूल गए। बहुत अच्छी बात है, तुम जिंदगी में कर ही क्या सकती हो भूलने के अलावा, एक दिन मुझे भी भूल जाओगी। कहाँ जा रही हो? अपने आप को भी दिखाओ। नहीं, लाओ मैं लगाता हूँ यहाँ पे। चलो गाइस चलते हैं, फिर रास्ते में कुछ देर पे मिलते हैं। रास्ते में कुछ देर मिलते हैं, रास्ते में जब कुछ और होगा तो वहाँ पे दिखा देंगे, फिर मिल लेंगे। ऐसा मैंने, ये क्या गुंडे, नेविगेशन लगा के चलेंगे, ट्रैफिक ना हो बस ना, जैसे उस दिन फंसे थे हम लोग। वैसे अभी तो 9 ही बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कांवरिया भैया लोग के लिए है, सावन के महीने में ऐसे ही बहुत सारे रास्ते में ऐसे ही देख रहे थे हम, और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे बाबू यहाँ पे होता है क्या? हर जगह होता है, अपने वहाँ भी होता है। नहीं जैसे यहाँ पे देखो आगे भी सजा हुआ है। हाँ, जैसे भी लाइट है। तुम बाहर कहाँ निकली हो तुम, अपने मायके में थी जब तुम? अच्छा ये आती हो घर में जाके रात में सो जाती? यहाँ पे इनको सुविधा भी मिलता होगा, यहाँ पे सब सुविधा रहता है। कुछ लोग सरकार की तरफ सोता है, कहीं कहीं पे वहीं के लोकल लोग क्या होते हैं, वो अपनी तरफ से भंडारा 24 घंटे का रहता है। जो पावर वाले आते हैं उनकी सेवा होती है, दवाइयां उनको मिलती है, उनके जो दिक्कतें होती है सारी दिक्कतें वाले, किसी को चोट वोट लगा उसकी पट्टी बनाई, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा ये मतलब कि बाहर से लाइटें इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे है, आप लोग स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद अंदर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी। अरे किट्टो रानी बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। चलो बहुत जल्दी समझदार हो गए आप, मेरे को बहुत ही पसंद आया आपका ये बात कि आपको बहुत जल्दी आप समझदार जो हो गए। रुलाने के बाद इंसान ना बहुत ज्यादा बोलता है कि ये करूँ वो करूँ, कि ये खुश रहे और मेरे बात भूल जाए। अच्छा अच्छा मेरे बच्चे, अच्छा तभी तो, अच्छा मेरी आँख पे मत मारो लाइट, तभी तो इतनी रातों रात लेकर जा रहे हो हमको, बहुत दूर का सफर है किट्टो रानी। सही कह रहे हो, चलो गए इस ब्लॉग में बने रहो। ये तुम्हारा रूम है? हम लोग पुराना का वीडियो देख रहे थे ना, हमको देख के रोना आ रहा था, पुराना सारा वीडियो। इतना आपके साथ मस्ती किए है ना, इतना मस्ती, तो सब कर हम देख के, हम कहे देखो कितना हम लोग मस्ती किए जी, बहुत मस्ती किए है। सुनाते जो हम करे तो वही वो भी करती थी मेरे साथ साथ। चिकनी कमर वाला कमरी आज हम जो मेरे गांव में ऐसे सब डांस करते, सुनो इली मैं बताती कैसे करते, मैं बताती हूँ। लड्डू भैया, लड्डू भैया, इसी में लेके। हाँ सही है, सही बात है, इसी में बारिश आ रहा है, घर से मंदिर ऐसे नगर, ऐसा नगर लगा कि
वीडियो में बड़ा दिखा था लेकिन अच्छा था लेकिन तो आ रही है नहीं अच्छा है हाँ तुम सारे भगवान को एक ही जगह रखो क्यों ऐसे कर रही हो तो कहाँ रखी थे वो कहाँ है ये रखेंगे ये तुम्हारा कमरा है स्पेशली हमको वाला तस्वीर ले जाना चाहिए था वाला केदारनाथ का है नहीं अब तो चल रहा है उज्जैन का है सुहा का है ना उज्जैन का है वही हाँ बहनी तो छोड़ दू गड़बड़ बाबू दोस्तों सुबह का टाइम हो गया तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से गुड मॉर्निंग तो एक मतलब कि डेढ़ हफ्ते हो गए थे मैंने इनसे इतने दिन से बोल रही थी कि प्लीज आप जाओ ना बना लो लेकिन ये नहीं बनवाते नहीं थे बहुत दाढ़ी अभी हम बाथरूम में गए थे बाबू ना हमको रोना आ गया भगवान की कसम खा कर पूछो क्यों क्योंकि ना जैसे कि यही घर इष्ट में बाबू पेट में था तो कैसे कैसे हमने वो चीज यहाँ पे कष्ट तो तुम यही झेली हो क्योंकि शुरुआत का जो चार पांच महीना रहता है वो बहुत क्रिटिकल रहता है यही समय तो था ना इष्ट में शायद हल्का फुल्का ठीक हो जाता फिर खराब हो जाता था ना छह महीने तक तुम यही थी जून में पता चला था डॉक्टर ने जो तुमको बोला जून में तो 23 जून को तो एडमिट हुए थे हम याद है 23 जून को वही सब चीजें ना हमको याद आते कि दाओ यार कैसे यहाँ पे करते थे तुरंत जाते थे इस छोटे से घर में हम लोग सब लोग एडजस्ट कैसे कर लेते थे हाँ और कितना मेरा उसमें सामान था वो कैसे एडजस्ट सब कुछ हो जाता था जब चीजें होती है तो हो जाती है एडजस्ट यही वीडियो हम लोग बनाते यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं यही आयो वही हम कह ये गोद में था ये तुम्हारा दादा दादी का घर है मेन घर नाना घर है बाबू का यही से है ना यहाँ खुश रहता है यहाँ बहुत गर्मी है सही बात है गर्मी तो है तुम्हारे आंसू दिखाए मेरे आंसू दिखाओगे घर को क्यों देख के रो रही हो घर को इसलिए देख के इमोशनल हो रही क्योंकि होती है कुछ यादें हैं कुछ नहीं है बहुत यादें हैं तो अपना घर रेंट पे दे दो यहीं पर रेंट पे रहो क्या करना है क्या हम से बहुत सारे नहीं लगता है पसंद नहीं लगता तो अपना वाला रेंट पे देते हैं लोग पुराने वाले रहते हैं बहुत सारी चीजें हमारी वहाँ पे रह गई ना इस वजह से क्या कर सकते हैं अब वो रेंट पे देने लायक नहीं है घर एकदम बरसात ही हो सब कुछ हो गया है वहाँ पे हर कमरे में एसी हो गया है एक कमरा छूटा हुआ है अभी टीवी हो गया सब कुछ हो गया गाड़ी हो गई यहाँ तो मेन पार्किंग की दिक्कत रहती है दिल्ली में ना देखो घर गिर रहा है जो ये लोग गए घूमने ना जो ये लोग पुराने गए हैं केदारनाथ गए मनाली जो गया होगा ना फंस गया क्योंकि मेन हाईवे जो है टूट गया है ना जा सकते हो ना आ सकते हो अभी कौन सा था जी जो एकदम किनारे था तो पूरा पुलवे टूट गया वो हिमाचल में कहीं पे हुआ है हिमाचल का ही तो दिखा रहा है चलो बंद कर लो देखो ये भी पुल लग रहा है टूट जाएगा ये भी पुल टूटेगा ही बाय बाबू इस आपके भाई ने कटिंग वटिंग करा ली सेविंग वेविंग करा ली है तो काफी इमोशनल रहा है हमारे लिए ब्लॉग हमने शूट किया था आपने अपलोड कर दिया डाल दिए थे लाइव हो गया रात में लाइव हो गया था एक नंबर पे उसका वीडियो पता है हमें पता ही नहीं था तो गाइज मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए तो इस वाले ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड ये दोनों माँ बेटी यहीं पे खेलेंगे लव यू ऑल बाय बाय इस वाला वीडियो अगर ये वाला ब्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर प्यार दुलार इसे जरूर दीजिएगा लव यू ऑल बाय बाय।